ईसाइयों के आराध्य प्रभु यीशु के जन्म दिन यानी क्रिसमस का त्यौहार कोटा में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। कोटा के सब्जी मंडी स्थित ब्रिटिशकालीन सीएनआई चर्च में मुख्य प्रार्थना सभा हुई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। सीएनआई चर्च के मुख्य पादरी संदीप पॉल ने बताया कि पिछले 10 दिनों से क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां चल रही है। युवाओं ने घर घर जाकर कैरल सिंगिंग गाया। वहीं 24 दिसंबर की रात को मिडनाइट सर्विस प्रिया हुई और केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। आज मुख्य प्रार्थना हुई, जिसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। शाम को ईसाई समुदाय के लोग एक दूसरे के घर जाएंगे और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे। क्रिसमस का त्यौहार जो है हमारे 10 दिन से इस चर्च में कार्यक्रम चल रहे हैं। 16 तारीख से हमारे यूथ के जो जवान हैं, घर घर जाके बच्चों ने कैरल सिंगिंग गाई और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का संदेश हमारे चर्च के सभी प्रत्येक घर में जाकर संदेश दिया। कल रात को हमारे यहाँ चर्च में मिडनाइट सर्विस हुई 11:30 से 12 बजे तक। यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोचिंग के स्टूडेंट्स और वो सब ने मिलकर रात में 12 बजे केक काट कर आपस में क्रिसमस में एक दूसरे की बधाई दी। अभी सुबह 9:30 बजे से चर्च में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना चल रही है और अभी ये 12 बजे तक चलेगी। शाम को तो सब अब यहाँ से प्रार्थना खत्म होने के बाद सब एक दूसरे से मिलेंगे और शाम को सब एक दूसरे के घर पे जाके क्रिसमस की बधाई देंगे। संदीप पॉल, चर्च सचिव।